नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड बाय पारुल गुप्ता में। और आज की हमारी रेसिपी है पनीर की, एक बहुत ही सिंपल बट बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल मखमली पनीर की रेसिपी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है, हेल्दी है और सुपर यमी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ेगी। तो पनीर मखमली बनाने के लिए हमने 5-6 बादाम, 5-6 काजू और 2 चम्मच खरबूजे के बीज, जिसको चार मगज भी कहते हैं, उनको पानी में सोख कर लिया था और अब हम उसका पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही हमने एक बड़े आकार का प्याज लिया है, साथ में 2 हरी मिर्चें और एक छोटा टुकड़ा अदरक है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लहसुन का प्रयोग नहीं किया है। उसके साथ ही हमने पनीर के क्यूब्स ले लिए हैं, 200 ग्राम पनीर है दोस्तों ये, और उनको हमने ट्रायंगल शेप में काट लिया है। अब हम एक पैन लेते हैं और इसमें देसी घी गरम करते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच ज़ीरा ऐड करेंगे। जब ज़ीरा क्रैकर हो जाएगा तब इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। खड़े गरम मसाले में इसमें 2 छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और 4 लौंग है और एक छोटा सा तेज पत्ते का टुकड़ा है। बस इतना ही खड़ा गरम मसाला हम लोगों को लेना है। इनको 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। ध्यान रहे इसमें हमने लहसुन का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। इसका टेक्सचर जो है बहुत ही सिंपल होता है मखमली सा, तो लहसुन थोड़ा सब्जी को शार्पनेस देता है, तो इस वजह से हम लोग इसमें अवॉइड करेंगे लहसुन। प्याज को मीडियम फ्लेम पर हम लोग भून लेंगे। जब हमारा प्याज भुन जाएगा तब हम इसमें जो आधा चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच इसी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे दोस्तों। इसमें हल्दी, मिर्चा या धनिया, किसी प्रकार के अन्य मसालों का प्रयोग नहीं होगा। बहुत माइल्ड सी सब्जी बनती है और बड़ी टेस्टी लगती है दोस्तों, तो इसमें एक्सेस मसालों का प्रयोग करने से बचे, तभी इसका स्वाद सही से आएगा। देखिए दोस्तों, अब हमारा प्याज लगभग भुन चुका है। अब हमने जो काजू, बादाम और 4 मगज का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको चला लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमने इसमें 2 चम्मच खोए का यूज़ किया है, खोया यानी कि मावा। यदि आपके पास नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्लेम पर ही इसको हमको भूनना है दोस्तों। यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे व्यंजनों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस स्टेज पे हम इसमें स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच शक्कर का यूज़ करेंगे, चीनी का। शक्कर का यूज़ करना इसमें ज़रूरी है दोस्तों, घबराइए मत, इससे स्वीट टेस्ट नहीं आएगा बट इससे खोए का फ्लेवर इन्हेंस होगा और ये ज़रूरी है। इसके साथ ही हमने इसमें 2 चम्मच ताजी दही यूज़ करी है, दही बहुत खट्टी ना हो इस बात का ध्यान रखें। अब इन सारे सामग्रियों को स्लो फ्लेम पर चला चला कर भूनना है, जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए दोस्तों, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने इसमें आधा कप दूध और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें ऐड कर दिया है और इसकी ग्रेवी बना ली है। ग्रेवी बहुत पतली नहीं बनेगी दोस्तों, थोड़ी सी थिक ही रहेगी। और जैसे जैसे अगर आप इसको रख के छोड़ देंगे, तुरंत नहीं खाएंगे, तो ये और थिक होती जाएगी। तो जब सर्विंग करिए तो उसको थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके खौला लीजिए, तो ये ठीक हो जाएगी। अब हम इसमें कटे हुए पनीर ऐड कर देंगे। पनीर को हमने ट्रायंगल शेप में काटा है, आप जैसे चाहें वैसी शेप में कट कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्रायंगल शेप देने से रेस्टोरेंट टाइप का लुक आ जाता है, बस और कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा सा पसंद करने लगते हैं। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ में ये बनने वाली जो सब्जी है दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें
हमने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स यूज़ करी है और आपने ध्यान दिया होगा इसमें हमने कोई पिसे मसालों का यूज़ नहीं किया है। बस अब हमारी लगभग सब्जी तैयार है। गैस की फ्लेम ऑफ करके हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है दोस्तों, और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर इसकी प्लेटिंग कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट सिंपल हमारी पनीर मखमली तैयार है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे फूड चैनल मेन्यू कार्ड को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रेसिपी देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।